स्वागत है आपको मेरे चैनल पे फिर से एक बार, ट्रैवल विद तन्मय। और अभी ट्रैवल करेंगे काफ़ी दिनों के लिए, पर शुरुआत हो रही है कोलकाता से। अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ और अभी लॉन्च में हूँ। इमिग्रेशन हो गया, बोर्डिंग कर ली, चेक इन कर लिया ऑलरेडी। सो अभी यहाँ पे लॉन्च का नज़ारा दिखाता हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में, ट्रैवल लॉन्च। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी दिनों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनल। सो बने रहिए इस सीरीज़ में और बहुत मज़े आने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी कोलकाता एयरपोर्ट से आगे चलेंगे तो आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे, तो एंजॉय करते आगे का जर्नी। यहाँ पे ऑलरेडी खाना दे चुके हैं और ठीक ठाक ही खाना था। और ये वाइन का ग्लास, थोड़ा रेड वाइन भी देखे गया, तो चलो खाना एंजॉय करते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं कतार पे, दोहा पे। यहाँ पे एक घंटा डेढ़ घंटे का लेओवर है, उसके बाद फिर मेरा फ्लाइट है, अगले फ्लाइट। तो अभी चलते हैं ट्रांजिट एरिया में। अभी दोहा एयरपोर्ट का ट्रांजिट एरिया से पास कर रहे हैं। गेट नंबर मेरा है C26, लेकिन अभी भी टिकट स्टैंड बाई में है क्योंकि स्टाफ टिकट है, लास्ट में कंफर्म होता है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द गेट राइट नाउ। सो चलते हैं गेट में और आपको ट्रांजिट एरिया से लेके चलते हैं यहाँ से। ऐसे काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। चलते हैं ट्रांजिट एरिया पे। मैं इतना हरी पे था ताकि आपको बोर्डिंग दिखा नहीं पाया सेकंड फ्लाइट का दोहा से। खैर चलिए खाना एंजॉय करते हैं। और खाना एंजॉय करते करते ही पहुंच गए हम डेस्टिनेशन का एयरपोर्ट पे, जो कि अभी कुछ ही देर में पता चलेगा आपको। अभी फ्लाइट से डिबोर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ। और अभी डिबोर्ड करने के बाद चले जाएंगे इमिग्रेशन पर, और इमिग्रेशन होने के बाद बताऊंगा आपको कि कौन सा डेस्टिनेशन पे पहुंचा अभी कतार एयरवेज से। सो लेट्स गो, लेट्स क्लियर द इमिग्रेशन एंड उसके बाद बताते हैं आपको इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे रहा, और आपको अगर आना है तो कैसे इमिग्रेशन क्लियर करना है, बाकी सारे कुछ। कर चुके हैं क्लियर इमिग्रेशन और अब पहुँच चुके हैं निकोला टेस्ला एयरपोर्ट, जो कि है बेलग्रेड, यस, सर्बिया का कैपिटल। तो यूरोप का एक कंट्री है, और मैं अगर इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे पहले तो इसीलिए मैं पहले डेस्टिनेशन बता नहीं रहा था क्योंकि मुझे भी डर था कि सर, मैंने सुना बहुत कि सर्बिया का इमिग्रेशन बहुत टफ होता है, पर मैं सच बताऊं 20 सेकंड लगा, सिर्फ 20 सेकंड। मैंने डिबोर्ड किया, उसके बाद काफ़ी लाइन था, जब मैं इमिग्रेशन काउंटर में आया बहुत ज़्यादा लाइन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मेरे को समझ में नहीं आया इतना लोग कहाँ से आए। उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर में गया, मैंने शेंगेन जहाँ पे मेरा वीज़ा लगा हुआ है उस पेज के अंदर बोर्डिंग पास डाल के मैंने उनको दिया कि पता क्या पता है ना, शेंगेन वीज़ा पावरफुल है तो देख के ज़्यादा स्क्रूटिनी ना करें। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि मैं काउंटर में गया, हेलो बोला, उन्होंने भी हाय करा और कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने स्कैन करा मेरा पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट है, वीज़ा फ्री है, तो ठप्पा लगाया और बोला वेलकम टू सर्बिया। सो मैंने जो काफ़ी कहानी सुना है तो ये सारे मेरे लिए एक मिथ साबित हुआ, लेकिन मैं ये मेरे लिए मिथ साबित हुआ, शायद आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर होके आइएगा, स्पेशली जब आपका पावरफुल वीज़ा ना हो, शेंगेन वीज़ा और US वीज़ा ना हो, तो आप प्रिपेयर होके आइएगा, जैसे कि होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट। तो मेरे पास सब कुछ था, यहाँ से अगले डेस्टिनेशन, अगले कंट्री जाने का फ्लाइट था, मेरे पास होटल बुकिंग सारे था, एक महीने रुकूंगा यहाँ पे, सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चेक करने का नौबत ही नहीं आया, उन्होंने जस्ट, इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया, शेंगेन वीज़ा भी मेरा चेक नहीं हुआ,
और मैंने पहुंच गया सर्बिया। अभी यहाँ से टूरिस्ट सिम खरीदेंगे, देखते हैं कितना प्राइस लेते हैं, क्या क्या कितना महंगा है यहाँ पे टूरिस्ट सिम। यहाँ पे डिनर चलती है, मैं बता दूँ सर्बियन डिनर चलती है, और तो कितना GB मिलता है उसके हिसाब से कंपेयर करके अच्छा वाला लूँगा। और उसके बाद मैं जाऊँगा सेंटर में जो कि बेलग्रेड सिटी सेंटर, और वहाँ पर मैं जाऊँगा क्रिश्चिने के घर जो कि मेरा काउच सर्फिंग होस्ट है। सो आगे चलते हैं, सिम लेने के बाद चलते हैं बेलग्रेड, सर्बिया का कैपिटल। निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से बाहर और काफ़ी सुंदर सा मौसम हो रखा है। फ्लाइट में बताया कि 16 डिग्री सेल्सियस है, पर वाकई लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वेदर है, ना ठंडा ना गर्म, एकदम प्लेजेंट वेदर। तो यूरोप इसलिए फेमस है वेदर के लिए भी। तो अभी थोड़ा क्लाउड छा रखा है, उम्मीद है कि बारिश नहीं आएगी। तो अभी चलते हैं बस स्टेशन के तरफ बेलग्रेड सेंटर जाने के लिए, और सिम थोड़ा सा महंगा बोल रहा था एयरपोर्ट में, तो देखते हैं बाहर कई सिम लेने का सोच रहा हूँ। तो अभी तक कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, जैसे कि क्योंकि सिम नहीं लिया, तो चलिए बस पकड़ के जाते हैं, और उससे पहले अगर सिम मिल गया तो सिम ले लेंगे। उनके घर पे। अभी बस से उतरने के बाद मैं बस का प्रोसीजर बताऊंगा, टिकट प्रोसीजर काफ़ी फ़नी है थोड़ा सा, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है बेसिकली। तो सिटी सेंटर पहुंच के मुझे आपको मैं बताऊंगा बस का, यहाँ पे आप अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो फ्रीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर्बिया में ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं वहाँ पर जाके जैसे कि बताया सिम कार्ड भी लूँगा, तो सिम का प्राइस भी बताएँगे। सो अभी शॉपिंग मॉल में पहुँचे, यहाँ पे मेरा होस्ट के घर के बाजू में ही, और यहाँ पे मैं मिला बस स्टेशन पे आइगर को। सो आइगर सर्बिया से ही है लोकल, और यहाँ पे उन्होंने मुझे हेल्प करा शॉपिंग मॉल आने में, थोड़ा मनी विड्रॉ करने में, और टूरिस्ट सिम लिया। तो 15 दिन के लिए वैलिड है, जिसमें मुझे 15 GB इंटरनेट मिलेगा, और उसका प्राइस पड़ा 600 डिनर, मतलब कि 450 रुपीस के आसपास। तो सस्ता ये ठीक ठाक है मतलब। तो अभी चलते होस्ट के घर पे, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 बज चुका है। सो लेट्स गो। नाइस। सो अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे होस्ट के क्रिस्टिना के घर पे, और मैं बताना चाहूँगा ईगर पिछले 45 मिनट से मेरे साथ घूम रहे हैं, और मुझे शॉपिंग सेंटर में लेके गए, सिम दिलाए, मनी विड्रॉल करवाए, और फिर अभी होस्ट के घर पे घर तक छोड़ दिए। रियली अप्रिशिएट जो सर्बिया का फर्स्ट इम्प्रेशन रहा, बहुत बहुत खास रहा, बहुत थैंक यू सो मच एगर। या एंड वी कॉल नमस्ते मीन्स यू नो, और यू नो लाइक व्हेन यू मीट पीपल ऑल से गुड बाय, वी कॉल नमस्ते। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। नमस्ते। सो अभी चलते हैं क्रिस्टिना के घर, होस्ट के घर। 20 घंटे जर्नी के बाद इंडिया से कतार, कतार से फिर बेलग्रेड, और अभी पहुंच चुके हैं बेलग्रेड कैपिटल पे। यहाँ से एयरपोर्ट से करीबन 25 मिनट लगा मुझे यहाँ तक आने के लिए, सिटी सेंटर से थोड़ा अंदर। और अभी मैंने क्रिस्टिना और योनिमिस मिलोश के घर पे आया, जो कि मुझे होस्ट कर रहा है बेलग्रेड में। सो ये क्रिस्टिना है Hello. जो कि मेरा काउच सर्फर होस्ट है, और उनका जो पार्टनर मिलोस। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी, यू नो, एंड मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत इन्जॉय करेंगे और खाना बना भी पकाएंगे। अभी थोड़ा सा फ्रेश, काफ़ी जर्नी हुई तो फ्रेश होके फिर मिलते हैं। ट्रैवलिंग के बाद अभी नहा के फ्रेश होके फिर से आपके साथ बैठा हूँ, और मैं वेदर के बारे में बताऊँ, काफ़ी सुंदर वेदर हो रखा है, बारिश हुआ अभी जस्ट, और एकदम प्लेजेंट टेम्परेचर। शाम को मैं होस्ट के घर पे अंडाकारी बनाने का सोच रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगा, और होस्ट का एक्सप्रेशन भी देखेंगे। उन लोग अंडाकारी कभी नहीं खाए, तो वो भी उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कैसा लगा।
तो ये है सराउंडिंग्स, काफ़ी सुंदर सा सराउंडिंग्स है, आप देख सकते हैं पूरा पेड़ पौधे से ढके हुए एकदम उनका घर। ये बेलग्रेड से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, 5 किलोमीटर, लेकिन सुकून है यहाँ पे। 5 किलोमीटर में कुछ ऐसे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा नेचर, अच्छा थोड़ा यू नो थोड़ा कंट्री साइड को देख पाएंगे आप, मैं बताऊँ तो। और दूसरी बात यह है कि बस की बात करूँ, मैं बस में लिटरली फ्री में आया सिटी सेंटर, और सिटी सेंटर से फिर इस जगह पे। तो सर्बिया में बस का ऐसे रूल्स है कि आप 90 मिनट के अंदर अगर बस चेंज करेंगे, कोई भी बस, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। पहली बार आपको सिर्फ लेना पड़ता है टिकट, उसके बाद अगर 90 मिनट के अंदर चेंज कर लिए तो दूसरा बस, तीसरा बस, कोई भी बस में टिकट नहीं लगता है। मतलब ऐसे होता है कि पहली बार ले लिए टिकट, दूसरी बस 90 मिनट के अंदर ले लिए तो फिर टिकट नहीं लगेगा, तीसरी बस, दूसरी बस लेने के बाद जो 90 मिनट शुरू होता है उसके अंदर ले लिए तो भी नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट 90 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ लेना है, तो ऐसे चौथी बस भी आप ले सकते हैं कहीं भी जगह जा रहे हैं। अगर तीसरी बस जिस समय से चढ़े उस टाइम से 90 मिनट तक अगर नहीं लिए, चेंज कर लिए, तो आपको टिकट नहीं लेना पड़ता है। हालांकि पहली बस पे भी नहीं लिए तो कोई चेक भी नहीं होता है, तो ये एक लूप होल है। तो मैंने गलती किया, मुझे पता है, तो लूप होल का फ़ायदा उठा के तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरली मैंने आके पहुंचा यहाँ पे। अभी नहाने के बाद कृष्णा ने केक बनाए थे, तो अभी केक खा के फिर हम लोग अभी स्टॉल में निकले, एक छोटा सा स्टॉल में, मतलब कि ऐसे ही चलने के लिए। और अभी जा रहे हैं हम शॉपिंग में, एक शॉपिंग मॉल में। वहाँ पे शॉपिंग क्या करना है कि खाना जो रात को बनाना है उसका इंग्रेडिएंट्स लेना है। और यहाँ का सर्बिया का घर वगैरह दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर घर वगैरह। और गाड़ी जा रही है काफ़ी एकदम यूरोपियन स्टाइल में, जो घर होता है, और होगा ही क्यों नहीं, मतलब ऑफ कोर्स सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप का कंट्री है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। भी कृष्णा के घर पे आज कृष्णा ने बताया कि इंडियन खाना बनाने के लिए, तो अभी सिंपल एग करी बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है एग्स, और आलू को फ्राई करके रखा हूँ। और इनके पास ताजुब की बात है, हल्दी भी है, थोड़ा किचन किंग भी है, गरम मसाला, अच्छा यहाँ पे एवरेस्ट का गरम मसाला इंडिया से एकदम खास, आप देख सकते हैं, मैंने नहीं लाया पहले से ही था। थोड़ा सा लहसुन पाउडर, पेरी पेरी पाउडर, नमक, और ये बन रहा है अभी ग्रेवी। तो इन लोगों ने पहली बार ये खाएंगे एग करी, क्योंकि जैसे कि फॉरेनर कभी एग करी नहीं खाए, मतलब उन लोग बॉयल खाए या फिर फ्राइड खाए, लेकिन बॉयल के बाद फ्राइड, ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन, देखते हैं कैसे लगते हैं। उन लोगों का फीडबैक ऑफकोर्स लेंगे, फिर बताएंगे कैसे हुआ। चलिए खाने खाने के टाइम मिलते हैं।